हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस मैं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल। जो मैं प्रैक्टिकल ले रहा हूँ वो टेंथ का प्रैक्टिकल है और वो है बेसिकली एक्शन ऑफ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द जिंक। मतलब अगर हम जिंक ले थोड़ा सा और उसके ऊपर डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाले तो क्या होगा। दूसरी चीज़ ये गाइस, मैं फटाफट आपको बता दूं कि मैं सारा सॉल्यूशन आपको लिख के देने वाला हूं जो मेरे बाजू में अभी फ्लैश होगा और सारा तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा, तुम फटाफट उसको लिख सकते हो। मैं प्रैक्टिकल के थ्रू भी तुमको एक्सप्लेन कर देता हूं। सो ये रहा मेरे पास टेस्ट ट्यूब, क्लियर। ये रहा मेरे पास टेस्ट ट्यूब और मैं इस टेस्ट ट्यूब में अभी ये रहा मेरे पास जिंक पाउडर, क्लियर। सो अब मैं इस टेस्ट ट्यूब में क्या डालूंगा, जिंक पाउडर ऐड करूंगा, क्लियर। थोड़ा सा मैंने जिंक लिया और इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। सो ये मैंने टेस्ट ट्यूब में जिंक पाउडर ले लिया यहाँ पे। अब इसमें हमें क्या डालना है, एस्ट्रेसो 4। ये रहा मैंने इसमें एस्ट्रेसो 4 डाल दिया। सो क्या जैसे जिंक पाउडर में एस्ट्रेसो 4 में डालूंगा तो यहाँ पे गैस बनने लगता है। आप देख रहे होंगे ये गैस यहाँ पे बन रही है, दिख रहा है टेस्ट ट्यूब। तो आप ये जो ऊपर बबल्स देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे गैस है जो ये फॉर्म हो रहा है, क्लियर। तो इसके अंदर बेसिकली हाइड्रोजन गैस बन रहा है। कौन सा गैस बन रहा है इसके अंदर, हाइड्रोजन गैस। सो अगर मैं यहाँ पे इसको जलाऊं तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, यहाँ से तुरंत ये जलने लगे, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो मैं इसको जला के नहीं दिखा रहा हूँ, बेसिकली बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बन रहा है लेकिन ये रिस्क है। तो यहाँ से जो गैस निकले वो हाइड्रोजन है और नीचे गाइस जिंक सल्फेट बन रहा है। मतलब जिंक में एस्ट्रेसो 4 डालने के बाद क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और H2 गैस यहाँ से क्या होती है, लिब्रेट होती है। सो आप ये रहा तुम्हारा प्रैक्टिकल जहाँ पे था एक्शन ऑफ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। अभी आप मेरे सामने एक पेज ओपन हुआ देख रहेंगे, उसके अंदर सारा डेटा दिया हुआ, आप भर सकते हैं। नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 है। फीचर्स ऑफ द रिएक्शन में बेसिकली क्या है कि तुम्हें लिखना है कलर गैस इज लिब्रेटेड, टाइप ऑफ रिएक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखना है। तो आपको सारा डेटा यहाँ पे गिवन है, आप क्या कर सकते हैं, फटाफट लिख सकते हैं।